Children, hope all of us are doing good, and I also hope that all of us are excited to begin this new session. Now, the topic that we will study today is things around us, and the things that we will learn about are natural things, man made things, and materials around us. The world we live in is full of different kinds of things. ंग्स कैन बी ईधर नेचुरल और मैन मेड हमारे आस पास हमें कितनी सारी चीजें नजर आती हैं कुछ चीजें हैं जो नेचुरल होती हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैन मेड यानी कि इंसान के द्वारा बनाई गई हैं सो लेटे बिगिन विद दी नेचुरल थिंग्स थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर And are not made by man are called natural things. Natural things can be either living or non living. All living things are natural things. They move, grow, and reproduce. Plants, animals, and human beings are natural living things. Non living things that are found in nature and are not made by man are called. नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स एग्जाम्पल्स आर रॉक्स वाटर एयर एंड द सन तो हमारे आसपास नेचर में वो चीज़ें जो कि इंसान ने नहीं बनाई हैं उन्हें हम कहते हैं नैचुरल थिंग्स अब ये जो नेचुरल चीज़ें हैं ये लिविंग भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग भी हो सकती हैं जितनी लिविंग चीज़ें हैं यानी कि जिन चीज़ों में जान है वो सारी नेचुरल थिंग्स हैं अब ये जो नेचुरल चीज़ें हैं ये ग्रो करती हैं रिप्रोड्यूस करती हैं अब प्लांट्स एनिमल्स और हम इंसान जो हैं हम नेचुरल लिविंग चीज़ों में आते हैं क्योंकि हम सब में जान है फिर ऐसी चीज़ें जो नेचर में हमें मिलती हैं लेकिन जिनमें जान नहीं है उन्हें कहा जाता है नॉन लिविंग थिंग्स सो ये नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं जैसे कि पत्थर पानी हवा सन सो नाउ लेट अस लुक एट दैन मेड थिंग्स सो नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर नॉट फाउंड नेचुरली बट आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स सो बुक्स चेयर्स, पेंसिल्स एंड हाउसेस आर मैन मेड थिंग्स तो जो चीज़ें जिन्हें कि इंसान बनाते हैं जो नेचर से हमें एज इट इज़ नहीं मिलती उन्हें मैन मेड थिंग्स कहा जाता है अब अगर आप यहाँ पे इन पिक्चर्स को देखें तो ये पौधे ये जानवर ये इंसान ये सब क्या हैं ये नेचुरल लिविंग चीज़ें हैं और अगर आप यहाँ पे देखें ये पत्थर ये सूरज या इस ग्लास के अंदर का पानी ये नेचुरल नॉन लिविंग चीज़ें हैं अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो ये बुक्स चेयर घर या ये पेंसिल्स ये सारी नॉन लिविंग चीजें हैं जो कि इंसान ने बनाई हैं तो इन्हें मैन मेड थिंग्स कहा जाता है थिंक टैंक नाउ नेम सम मैन मेड थिंग्स दैट अस टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर नाउ अस लुक एट दी मटेरियल्स अराउंड अस

तो वो सब्सटेंस या चीज़ जिससे हम कोई और चीज़ बनाते हैं उसको हम मटेरियल या पदार्थ कहते हैं लकड़ी रबर प्लास्टिक या कुछ मेटल्स ये सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो हम आम तौर पे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं थिंग्स सच एज टेबल्स चेयर एंड बेड्स आर मेड फ्रॉम वुड तो अगर आप देख सकते हैं ये टेबल बेड या जो चेयर है ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि वुड यानी की लकड़ी से बनती हैं थिंग्स सच एज टायर्स इरेजर्स बेलून्स एंड बॉल्स आर मेड फ्रॉम रबर अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि ये टायर हो गया या आपके इरेजर्स हो गए या बेलून्स या बॉल्स हो गए ये किनसे बनते हैं ये एक मटेरियल जिसे हम रबर कहते हैं उससे बनते हैं देन थिंग्स सच एज बकेट्स बैग्स बॉटल्स एंड कोम्स आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक ये सारी वो चीजें हैं जो कि जैसे कि बाल्टी हो गया बैग हो गया बॉटल हो गया कंगी हो गया ये सब चीजें हम प्लास्टिक से बनाते हैं थिंग्स सच एस किचन यूटेंसिल्स जूलरी एंड पार्ट ऑफ कार्स एंड अदर मशीन्स आर मेड फ्राम मेटल्स तो हमारे इस्तेमाल में आए जाने वाले बर्तन या फिर जो गहने हैं या जो मशीन के अलग अलग पुर्जे होते हैं ये सब मेटल से बनते हैं इट इज़ अ फैक्ट वुड रबर एंड मेटल्स आर मेड फ्रॉम मटीरियल्स दैट वी गेट फ्राम नेचुरल थिंग्स बट प्लास्टिक इज़ अ मटीरियल दैट इज कम्प्लीटली मैन मेड तो लकड़ी हो गई या कोई मेटल या रबर हो गया ये हमें नेचर से नेचुरल चीज़ों से मिलता है लेकिन जो प्लास्टिक हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए ये प्लास्टिक जो है ये पूरा का पूरा इंसान द्वारा बनाया गया है मैन मेड है सो लेट्स टेक अ क्विक री कैप नाउ थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल थिंग्स Non living things that are found in nature and are not made by man are called natural non living things. Non living things made by man are called man made things. The substance from which a thing is made is called material. So, I hope that this chapter is clear to all, and answering questions based on this chapter will now be easy.